सो हाय एवरीवन, दिस इज ऋषि एंड यू वाचिंग ऋषि लॉग। सो आज की शुरुआत हो गई भाई, सुबह सुबह मूवी देखने आ गए। जबान तो मेरे को देखी नहीं थी, बट प्लान बन गया था कल, क्योंकि भाई जो अपना प्लान था इंटरनेशनल ट्रिप वाला वो तो कैंसिल हो गया, जा ही नहीं पाए यार। बहुत मतलब दिमाग बहुत खराब हुआ लिटरली। बट भाई अब जवान एंजॉय करेंगे अभी, तो फिर मैं आपको रिव्यू भी देता हूँ, फिर मिलता है। हेयर स्टाइल बन गया भाई, हवा चल रही है तगड़ी आज सुबह सुबह। 8:50 का शो था। फाइनली हम हैं आधा घंटा लेट, आधे घंटे की डाउनलोड करके देख लेंगे, कोई दिक्कत ना। ट्रेली एडी आ रहे हैं। हाँ भाई, हो गई कंप्लीट यार। और मूवी ठीक थी, 7/7 इसलिए क्योंकि शाहरुख खान था, अदरवाइज स्टोरी वाइज तो 5/6। ये जो भी है कुलचा लाल पराठा दास, विचित्र सा नाम है, कुलचा लाल पराठा दास। कुछ खाते हैं यहाँ पे, ये रहा अपना मेन्यू। और हमने ऑर्डर कर दिया है 2 अमृतसरी चूर चूर नान विद दाल मखनी। हाउ इट लुक्स अपना, बढ़िया। वहाँ तो हम नहीं है लेकिन यहाँ तो है, हम मैच तो देखेंगे ऑब्वियसली। कौन जीतेगा फिर? इंडिया इंडिया, मतलब इंडिया टॉस हार गई लेकिन मैच जीतेगी। मैच थोड़ा डिले हो गया था तो हमने सोचा अपना काम कर लें कुछ। कीचड़ मस्त हो। और ये देखो भाई, व्यू तो बहुत तगड़े हैं। व्यू तो अच्छा है लेकिन रास्ता बहुत भयानक है। लेकिन रास्ता ये देखो सड़ गया रास्ता। इंडिया जीतेगी नहीं? हाँ भैया, जीतेगी आज इंडिया नहीं? अरे जीत गई भाई 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 भैया, कुछ जीतेगी नहीं, जीत गई बस। तो कौन सी ये भयंकर ऑटो वाले धोखा दे दिया अभी मैंने, पता है कांड कर दिया। ये गाड़ी वाला जा रहा है ना, किसी गाड़ी वाले से मैंने पहले पूछा कि भाई लिफ्ट ले लूं, तो शायद इसने मतलब मना किया होगा अपने इशारे पे। मैंने सोचा बोल रहा है हाँ ले लो, तो मैं पहुंच गया इसकी गाड़ी में बैठने। अबे इंटरव्यू बुला लिया, अबे गाड़ी में बैठने का बोला तुम कौन हो? हमने कहा भाई छोड़ दे। इतनी देर में हमारे जो भी डाउट हो गए, मतलब हमारा बाहर जाना अच्छा था। क्या कैच पकड़ा भाई ने, आउट, तीसरा आउट हो गया। मोहम्मद सिराज, ये तो आउट है, ये एम्पायर गलत नहीं देता कभी। मैं भी वहां पे बैठा होता बहुत उछल रहा होता मैं इस समय। हैट्रिक, ओवर में 3 विकेट। हैट्रिक होगी इसकी, हैट्रिक क्या हो गया? हैट्रिक होगी, अब एक और लेगा। इतनी वाहियात बैटिंग, ये क्या हो गया? अरे 150 रन तो बना ही ले, कुछ मैच तो देखने को मिले हमें। 8/4, 8/5 हो जाएंगे अभी। है भाई हैट्रिक बॉल, ओ भाई 4 विकेट हो जाएंगे एक ओवर में। हैट्रिक हो गई भाई, हो गई हैट्रिक, हो गई हैट्रिक बॉल, हो गई सिराज LBW। ओ बदला आ गया बीच में, बस खुद ही भाग गया बॉल के पीछे बाउंड्री तक। भाई ये मैंने पहली बार देखा, बॉलिंग बॉलर करा रहा है और बाउंड्री तक चला गया। ये देखो खुद ही आसर आए, बहुत खुश है ये, बहुत खुश। लेकिन इस बॉल पे आउट, क्या कर दिया आज बाबा देख रहा है ना मैच। ये क्या मैच देख लिया भाई, अगर मैं वहां होता बावड़ा हो जाता मैं वहां होता तो मैं श्रीलंका वालों की ऐसी तैसी कर देता, हंस हंस के उनपे। अरे ये लगता है खोल ली गई है, इसकी ओपनिंग सेरेमनी करनी थी ना। या दिस मस्ट बी, ओ लव दिस कांट बी,
Oh my god! I like it! Cheers! ये क्या हो रहा है? कितना कितना सेलिब्रेट करूं ना? अब तो मैं भी इनको गले पकड़ लेता, श्रीलंका वालों को गले लगा लेता मैं तो। मियां जी तो भाई क्या मुझे मुझे पिंच कर दो प्लीज। रियलिटी है क्या? रियलिटी माय फ्रेंड। ओवर में एक और विकेट जाएगा भाई। कुछ टारगेट तो रहने दो भाई। नहीं नहीं ऐसे जीत जाएंगे हम। अगले दो घंटे में मैच खत्म, बोले बारिश आने नहीं देंगे। मैं तो कह रहा हूँ श्रीलंका में ही तो है। श्रीलंका वाले तो वापस जाने वाले होंगे स्टेडियम, कुछ कुछ तो श्रीलंका छोड़ के चले जाएंगे। बोले अब हम इंडिया के दला लागे से बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। ओह दला लागे काफी अच्छा लागे। नाइस लाइनिंग। तुम बॉलिंग फिगर देखो, ये बहुत तगड़ा। 5 विकेट 6 रन 5 विकेट 6 रन 3.4 ओवर। आज दो चीजें तो पक्की हैं, सिराज मैन ऑफ द मैच और इंडिया विंस द मैच। बाकी भाई बोल रहे हैं कि ये बेल आगे और मेंडिस दोनों मारेंगे सेंचुरी। मेंडिस गया, एक और विकेट। 7 खत्म कर दिए भाई, 7 6 पे 7 दिन का भाई, दिन है इसका आज, बंदे का दिन है आज। अब कुछ ना हो, अब कोई ना मारे सेंचुरी। श्रीलंका वाले तो जाने लगे। 40 रन तो ये तो भाई लग रहा है मुझे 50 ना बना पाएंगे। ये शॉट देखते रहे, बेल्ला ही लागे, बेल्ला लागे। अब तो मैं आंसू पहुंच रहा हूँ तो श्रीलंका वालों के। हो माय गॉड। पचास पे ऑल आउट, 50 पे ऑल आउट। अब शुभम गिल और रोहित शर्मा कर रहे हैं एक दूसरे में प्लान के किसको भेजें। बोल रहे हैं कि बुमराह और सिराज को ही भेज देते हैं आज ओपनिंग पे। लगता है बुमराह और कुलदीप यादव आएंगे। अगर यही इंडिया का स्कोर होता भाई कितना बुरा लगता। 3 चौके मार दिए भाई शुभमन गिल ने, मतलब आग में घी डाल रहा है। ऐसे खेलो, हम तो जीत चुके हैं। हमने तो बोला था हम जीत चुके थे मैच खेलने से पहले, इसरो ने से पहले ही कहा था इंडिया जीत गई है। है इंडिया तो जीत ही गई, लेकिन व्यू देखो बहन, क्या खतरनाक व्यू है भाई। चेक करो भाई, ओ भाई ये देखो ना। तो हम कैब में आ गए भाई, हम सोच रहे अब इंडिया तो जीत गई, अब फिर कहीं घूम ही ले। अभी तो हमारा प्लान था कि एक इनिंग खत्म होगी कुछ करेंगे तो उसमें हम कुछ करेंगे। इतना हम तो मैच ही खत्म होगा। थैंक यू भैया। भैया ये है लोकेशन, और ये है इंसान। अबे लेकिन खाएंगे क्या भाई? आज का दिन खास है, बहुत पानी कहाँ है? पानी हुआ है, पानी पी लिया। पानी पीने के बाद हम एक टोपचे वाले रास्ते से निकले। ओह माय गॉड, यार प्लानिंग टू गो टू केएफसी। बता रहा हूँ जिंदगी में कभी KFC नहीं खाऊंगा अब, क्योंकि मैंने लास्ट 2 बार जितनी भी बार खाया ना, लास्ट 2 बार तो भयंकर मेरा अजीब सा हो गया यार। अब अच्छा लगा थोड़ा चिकन। अब थोड़ा अंदर गया है। लिटरली भाई क्या वाहियात चिकन था, मतलब बेल्ट सब निकालनी पड़ी है, इतना पेट भूल गया मैं अंदर। बाकी तो मन तो कर रहा है मेरा भीगने का, लेकिन घर जाना है वापस, इसलिए भीग नहीं। चिकन पच गया, चिकन पच गओ, चिकन पच गओ।
तेरे यार पतेरे ने मेरा तू ही मुठिया मुठिया देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो बस यार आज का दिन ऐसे ही था। ऑल्सो मतलब मैंने तो रिसेल कर दी थी टिकट, अब जिसने भी खरीदी होगी अगर किसी इंडियन ने खरीदी होगी तो वो खुश होगा, अगर किसी श्रीलंकन ने खरीदी होगी वो टिकट तो उसका तो बड़ा घाटा। और मुझे पता भी नहीं भाई कि पैसे आएंगे नहीं आएंगे, 15 दिन बाद पता चलेगा। लेट्स सी, बस यही था इस ब्लॉग में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अब देखते हैं कुछ करेंगे अपना मूड सही करने के लिए, मूड तो खराब हो गया। या बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।